इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़, मैं हूं प्राची तिवारी। चुनाव में पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं पर सबकी नजर है। ऐसे में हर एक पार्टी नए मतदाताओं को लुभाने में लगी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इस विधानसभा चुनाव के परिणाम पर फर्स्ट टाइम वोटर्स का एक ऐसा तबका है जो बड़ा असर डाल सकता है। राजनीतिक पार्टियां भी फर्स्ट टाइम वोटर्स की अहमियत समझती हैं, इसलिए इन्हें साधने की हर संभव कोशिश पहले से ही शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय दल इस वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए एक अलग टीम बनाकर काम कर रही है, तो कांग्रेस भी इस वर्ग को साधने यूथ विंग को पहले से ही टारगेट दे रखा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विजय अग्रवाल ने टिकट न मिलने के बाद असंतोष जाहिर करते हुए पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विजय अग्रवाल ने रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का अब ऐलान किया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक को सौंप दिया है। विजय अग्रवाल 2003 से 2008 तक रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रहे हैं। 5 चुनावी राज्यों में अपनी छाप छोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती हर जतन कर रही हैं। ऐसे में अगले 2 महीने में मायावती इन चुनावी राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी। पार्टी सूत्रों की माने तो मायावती इन राज्यों में 30 रैलियां करेंगी। इन रैलियों की शुरुआत नवम्बर से होगी और दिसंबर तक लगातार ये रैलियां जारी रहेंगी, जब तक राजस्थान और तेलंगाना में मतदान नहीं हो जाते। बीएसपी के एक नेता ने बताया कि 4 नवम्बर को मायावती छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी, यहां वो 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। इसके बाद फिर से वो 16 नवम्बर को यहां आएंगी और 2 दिनों के अंदर नवागढ़, बिलाईगढ़, रायपुर और जांजगीर चंपा में आयोजित 4 रैलियों को संबोधित करेंगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है। छविंद्र कर्मा ने आखिरकार अपनी मां के खिलाफ चुनाव न लड़ने का फैसला करते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया है। दरअसल छविंद्र कर्मा कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी मां देवती कर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके बाद छविंद्र ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। करवर्धा विधानसभा पर एक ऐसा प्रत्याशी पर्चा भरने पहुंचा जिसने अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। दरअसल करवर्धा विधानसभा से सुनील साहू ने पर्चा भरने के साथ जमानत राशि के तौर पर जमा कराने के लिए जो 10,000 रुपए दिए थे, वो पूरी राशि 1, 1 और 2, 2 के सिक्के में थी। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने वाले सुनील साहू करीब 50 लोगों के साथ पहुंचे। नामांकन पत्र लेने के लिए जब सुनील ने चिल्लर दी तो कर्मचारियों ने उनसे बड़े नोट देने की बात कही, जिसके कर्मचारियों के चिल्लर लेने से इनकार करने के बाद यह मामला अब जिलाधिकारी तक पहुंच गया है। तो ये थी छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। देखिए ग्रामीण न्यूज YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।